नमस्कार, राइट विद प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम लिक्विफाई फिल्टर के बारे में जानेंगे। क्या है लिक्विफाई फिल्टर और फोटोशॉप में हम कहां कहां पर इसका यूज ले सकते हैं? एक्चुअल में इसका यूज तो बहुत जगह पर किया जाता है, लेकिन हम फोटोशॉप से रिलेटेड काम कर रहे थे, हम फोटोशॉप में कहां कहां यूज होता है मोस्टली वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक इमेज ले लेते हैं। हमने एक इमेज ले लिया है। अब हम इमेज को अपनी इच्छा अनुसार उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि इसका दिखने में लुक थोड़ा अच्छा जाए, तो हम फिल्टर का प्रयोग करेंगे। ये लिक्विफाई है, एक्सट्रैक्ट और पैटर्न मेकर जो दो फिल्टर हैं वो हमने फिल्टर ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 1 में देख लिया था, और आज जो है लिक्विफाई है इसको हम देख लेते हैं। तो आप फिल्टर में जाइए और लिक्विफाई पर क्लिक कर दीजिए, या फिर इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल एक्स तो भी वो आ जाएगा। मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल एक्स तो ये आ जाएगा। अब ये आने के बाद में यहाँ पर आपको देख रहे हैं इधर इस साइड में बहुत सारे बार नजर आ रहे हैं, वो हाथ जैसा टूल वाला है वो वार्प टूल है और उसकी शॉर्ट की है W। और सेकेंड नंबर जो है वो थेरो ब्लेंस का टूल है जिसका शॉर्टकट है A। इसके आगे 3 नंबर है वो है ड्रिल क्लॉज वाइज जिसका शॉर्टकट है आज। 4 नंबर पर जो है वो है थ्रिल काउंटर क्लॉकवाइज टूल, इसका शॉर्टकट है A। उसके आगे है पुकर टूल जिससे आप किसी चीज को प्रेस करके दबा सकते हैं, और इसके आगे जो है ब्लड टूल जिसका शॉर्ट फॉर्म भी है और उसको किसी भी भाग को आप अप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके जो आगे है वो है शिफ्ट पिक्सल टूल और इसकी शॉर्ट फॉर्म है E। इससे हम पिक्सल को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं कुछ हद तक। और यह है रिफ्लेक्शन टूल, जिस प्रकार से आप कांच में या फिर पानी में वगैरह रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके आगे जो टूल है, यह जो वाला टूल, यह है रिकॉन्ट्रास्ट टूल जिसका शॉर्ट फॉर्म है E। और इससे आप जो काम करते हैं उसे थोड़ा बहुत वापस हटा सकते हैं, और इसके लिए एक और बटन भी है, मैं आपको बताऊंगा आगे। और ये जो टूल है, ये टूल फ्रीज टूल है, और फ्रीज टूल को हम मास्क की तरह यूज कर सकते हैं। मास्क लगाएंगे उस जगह पर, वो फ्रीज हो जाएगा एरिया और वहां पर आपके इस फिल्टर का अप्लाई नहीं होगा। और ये इराइजर टूल है, ये जो आप मास्क लगाते हैं उस मास्क को कहाँ से इराइज करना है वो आप इस इराइजर टूल से कर सकते हैं, इसे थ्रो टूल भी कहते हैं। आगे आपके दोनों टूल मालूम है, जूम टूल जूम करने के लिए और हैंड टूल इधर उधर शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। आगे जो जूम टूल है, जूम टूल का उपयोग हम करेंगे। सबसे पहले इसका उपयोग जो है आप कंट्रोल प्लस दबाएंगे प्रेस करेंगे तो जूम हो जाएगा, और कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो बैक हो जाएगा, ठीक है। इसका भी शॉर्टकट है जो आप यूज कर सकते हैं। अब जो है हम इमेज पर जो है अपने इस टूल का प्रयोग शुरू करते हैं, और इस साइड में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो हम मैश करते हैं जो कोरल ड्रा ग्राफिक डिजाइन वगैरह में बहुत यूज होता है उसका, तो सेम मैश जो है यहाँ पर जो आप कर सकते हैं, जो डिजाइन करेंगे आप तो उसका सेम मैश यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ से उस मैश को आप लोड भी वापस कर सकते हैं। आगे टूल ऑप्शन है, और ये आपका ब्रश टूल का साइज है, यहाँ से आप ब्रश टूल के साइज को छोटा बड़ा जो है वो आराम से कर सकते हैं। वैसे आप कोष्ठक बंद बटन से आप इसे यूज करते छोटा बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये जो है आपका छोटा बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और कोष्ठक ओपन वाला टैब प्रेस करेंगे तो छोटा होगा, कोष्ठक बंद वाला टैब प्रेस करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके बाद है ब्रश प्रेशर, यहाँ से आप ब्रश प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, आपका ब्रश प्रेशर कितना रखना है, 15 रखना है या 100 करना है या कम करना है ज्यादा करना है वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, मैं फिलहाल 15 ही रखता हूँ। और उसके बाद है टर्बुलेंट जुटर, ये अभी ऑफ है, बाद में ओपन होगा तब आपको बता देंगे। रिकॉन्स्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर इसके मोड हैं, रिवर्ट रिगार्ड शेप स्मूथ लॉज डिस्प्लेस एब्रेडविस्ट एफाइंस जो भी हैं, आप इनका यूज जो है वो फोटोशॉप में मैं इनका यूज नहीं लूंगा। और यहाँ से आप रिकंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, यहाँ से आप जो भी इमेज वगैरह टेढ़ी मेढ़ी जो भी आप कर सकते हैं तो इसको वहां से यहाँ से आप रिवर्ट करके वापस जो है अपनी स्थिति में ला सकते हैं, ठीक है। ये फ्रीज एरिया है, जैसे आपने
कोई एरिया मान लीजिए फ्रीज कर लिया, मान लीजिए ये एरिया फ्रीज कर लिया, तो अब आपको यहाँ पर भाग जो है इसको इन्वर्ट करना है या फिर नहीं करना है, वो आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, या फिर थ्रो ऑल करना चाहे तो आप इसे हटा सकते हैं। ये व्यू ऑप्शन है, फोर्टन एरिया है, ये यहाँ पर जो क्लिक करेंगे आपको मैच एरिया दिखेंगे, जहाँ से आप मैच कराए हैं वो एरिया के कितना पिक्सल जो है आपने जो इस भाग को जो भी आपने वर्क किया है, फिल्टर यूज किया, कितना मैच किया है, तो वो आप यहाँ से मैच टूल से मैच करवा सकते हैं। और ये इमेज टूल है, यहाँ से आपकी इमेज दिखेगी और ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये मैच साइज है, ये मीडियम साइज है, और आप लार्ज साइज करेंगे तो आपको लार्ज साइज दिखेगी, और यहाँ से आप जो है मीडियम करेंगे तो मीडियम हो जाएगी, और यहाँ से आप स्मॉल करोगे तो और स्मॉल हो जाएगी। तो ये यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं। ये जो फ्रीज कलर है, जो हमने इसको फ्रीज किया, इसका कलर जो है आप यहाँ से चेंजिंग करना चाहे तो यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको चेंज रेड रख रहा हूँ, ठीक है। और ये है आपकी बैकड्रॉप, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी आपको कितनी रखनी है बैकड्रॉप की, वो अपने अनुसार आप रख सकते हैं। तो हम काम करेंगे वहाँ, जब जिसकी जरूरत होगी आपको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल ये हमने, जैसे हमने सबसे पहले इस टूल का प्रयोग किया, तो ये फ्रीज टूल है जिससे हम किसी भाग को मास्किंग कर सकते हैं और उस भाग पर हमारा फिल्टर का प्रयोग जो है वो नहीं होगा। हम मैच टूल को भी हटा देते हैं, इसका प्रयोग नहीं होगा। और इसको हटाने के लिए इरेजर टूल है, जहाँ जहाँ हमको नहीं चाहिए कि भाई ये भाग हमको नहीं चाहिए, तो वहाँ से हम इसको आराम से इरेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों टूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ आगे जाते हैं, और सबसे पहला टूल ये है जिसको हम वार्प टूल कहते हैं। इसका W प्रेस करने से भी इस टूल का सिलेक्शन हो जाता है। इसका हम प्रयोग कर लेते हैं, इसको क्लिक किया, और अभी इमेज है उसको हम थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। हमको लगता है कि ये भाग यहाँ पर थोड़ा सा बाहर दिख रहा है, जो जिससे इमेज थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही है, तो हम इसको जो है सेटल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो किस प्रकार से सेटल करेंगे हम इसको, इसको थोड़ा सा यहाँ से पुशअप करके पीछे ले लेते हैं, ठीक है। और ये भाग यहाँ से भी थोड़ा सा है हम सेटअप कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही थोड़ा दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमारी इमेज के अंदर हम थोड़ा सा जो है लुक जो है आराम से दे सकते हैं, जहाँ से हमारी इमेज थोड़ी सी अच्छी दिखे। मान लीजिए इस फिल्टर का मैं अप्लाई कर लिया, और उसके बाद हम इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं फिल्टर अप्लाई हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो फिल्टर है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि इस इमेज के अंदर कितना जो है फर्क जो है वो आया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब हम देख लेते हैं इसको अंडू करके, ये ओपन है जो हमने की थी, और ये हमारा फिल्टर है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी आप चेकिंग कर सकते हैं इसको, या फिर कंट्रोल जेड से भी इसका आप सेटिंग जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये भाग था जो ये हो गया, इसमें बहुत ही इमेज के अंदर बहुत ही शानदार लुक जो है वो आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी इमेज के अंदर इसको यूज है जो वो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छा फिल्टर है। और मान लीजिए अगर आपको कुछ और करना है, तो एक इमेज ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए इस इमेज को हमने ले लिया, और इसके ऊपर हमने इस लिक्विफाई को फिल्टर जो है प्रेस किया। अब हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा बहुत, मान लीजिए इसको थोड़ा सा सेटअप करना चाहे आप, तो अपने अनुसार जो है सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और आप ब्रश को छोटा कर लीजिए, और उसके बाद में आप इसको आराम से यूज जो है शानदार कर सकते हैं। तो इससे आपकी इमेज के अंदर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, और कुछ सेटअप जो है आप अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा जो है फर्क जो है नज़र आएगा आपको, जो हमने अप्लाई किया है। ये इमेज छोटी है तो इस पर जल्दी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया वो आपको बता देता हूँ। ये देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से इसका हमने अप्लाई किया है। तो इस प्रकार से आप अपनी इमेज के अंदर अप्लाई इसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि इस फिल्टर को और तरीके से यूज करें, तो मान लीजिए ये है, और इसका आप कुछ फेस जो है बिगाड़ने में या टेढ़े मेढ़ा करने में भी आप इसका यूज ले सकते हैं। तो इसको आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, कार्टून भी आप बना सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप चाहे अपने इमेज को आप लुकिंग दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रिवर्ट कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार से आप जो है अपने इमेज के अंदर
लुक देना चाहे वो लुक आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर भी आपको अप्लाई करके बता देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, लेकिन इसको टाइम नहीं लेंगे हम, जल्दी ही कर देंगे। ये है थोड़ा सा, इसको सेटअप हम कर लेते हैं और इस इमेज को अंदर हम इसको एक और फिल्टर के बारे में आपको समझाएंगे, इसलिए हम इसको ले रहे हैं कि हम इसके एक और फीचर के बारे में आपको बता सकें। थोड़ा सा हम इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि ये एक अलग टाइप से इमेज दिखे। और यहाँ से हम इस वाले फिल्टर को लेंगे जिसका नाम है पुकर टूल, और हम उसको पुकर करेंगे यहाँ पर जो भाग उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से हम ब्रश की साइज को छोटा कर लेते हैं, अभी भी बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, और हम इसको थोड़ा सा पुच कर लेते हैं ताकि यहाँ से जो है लुकिंग शानदार हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पिकर टूल का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि हमारा इमेज जो है वो बराबर हो गया है, ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ करनी आपको अपनी इमेज के साथ में, वरना आपका इमेज का लुक ही चेंज हो जाएगा और डुप्लीकेट की तरह दिखेगा, इसलिए इसको उतना ही करें जितनी इसको ज़रूरत है। तो ये ओपन हो गया है हमारे साथ में, और इसको हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से था, जो इतना था इतना हो गया है, इस प्रकार की इमेज थी जो इस प्रकार से हो गई है। तो ये आपका थोड़ा सा लुक जो है इस इमेज का आ गया है। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी इमेज के साथ में थोड़ी सी चेंजिंग करके उसका शानदार लुक जो है वो बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना शानदार जो लुक आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इमेज के साथ में काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। चलिए एक इमेज का और हम प्रयोग कर लेते हैं फिल्टर का, इसके ऊपर लिक्विफाई में जो दूसरा एक फिल्टर है उसके बारे में। जैसे ये दो फिल्टर हैं, यहाँ पर सेम फिल्टर आपको दिख रहे हैं, थ्रिल क्वॉकवाइज टूल और थ्रिल काउंटर क्वॉकवाइज टूल। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं और ये देख रहे आप घुमा रहे हैं, तो इस प्रकार से ये बैंड देने के अंदर बहुत ही अच्छा शानदार लुक जो है आप बना सकते हैं किसी भी। ये ज़्यादातर बैकग्राउंड को मैन्युफैक्चरिंग या फिर आप पैटर्न वगैरह को बनाने में इसका उपयोग काफ़ी लिया जा सकता है, या आप ले सकते हैं आपने, और ये जो है इसको वापस जिधर था उधर घुमा देगा। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं, और यहाँ से आप अगर सेट नहीं होता तो रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये पुशअप करने के लिए, जैसे ये दबा देगा अंदर डाल देगा ये जो भी चीज़ें, और जिसको भाग को आप अंदर डालना चाहे अंदर डाल सकते हैं। इससे एज को बारीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो अंदर की तरफ जैसे पानी अंदर जाता है किसी पाइप के द्वारा जमीन के अंदर घुसता है, उसी प्रकार का ये लुक जो है यहाँ पर दिखता है। और ये है उभार वाला, जिससे यहाँ पर किसी भी चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कोई भी बॉडी पार्ट है वगैरह, तो उसको थोड़ा सा आप करने के लिए इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जहाँ भी इसका उपयोग करना चाहे वहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद ये है टूल, और इसका नाम है शिफ्ट पिक्सल टूल। यहाँ से आप पिक्सल को है इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे ये पिक्सल है इनको शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो उनको शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दूसरी इमेज लेकर बता देता हूँ जहाँ पर हम इसका अप्लाई कर सके। इस पर लगा देते हैं हम इस फिल्टर को लिक्विफाई। ठीक है, तो ये जो पिक्सल जो है इनको आप हटा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं इनको, पिक्सल को आप चेंजिंग कर सकते हैं, इसके लिए इस टूल का जो है प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पिक्सल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, शिफ्ट पिक्सल टूल, जो पिक्सल को इधर उधर शिफ्ट कर सकता है। दूसरा टूल है रिफ्लेक्शन टूल, इसके नीचे जो है ये रिफ्लेक्शन टूल है, और रिफ्लेक्शन टूल का आप रिफ्लेक्शन बनाने में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसका रिफ्लेक्शन बना रहे हैं इधर, तो जैसे पानी है कांच है वहाँ पर आप इसका रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो बहुत ही शानदार जो है वो लगेगा। तो इस प्रकार से आप यूज है जो इसका कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से लगता है कि ये टूल जो बहुत बेहतर टूल है, और इसका उपयोग जो है आप आराम से कर सकते हैं शानदार तरीके से, जैसा आप चाहे वैसा जो है डिजाइन जो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक भी आपके समझ में आ गया होगा। और ये जो टूल है रिकॉन्ट्रक्शन टूल, रिकॉन्ट्रैक्ट टूल जो है वो आप जो है ये जो काम किया है उसे वापस हटाने में उपयोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने क्लिक किया और इसको बड़ा करने के बाद में हमने जो काम किया था उसको वापस हम कुछ हद तक हटा सकते हैं, पूरा तो नहीं मेंटेन कर सकते लेकिन कुछ हद तक हम इसे हटा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है,
और जो भी आप छोटा मोटा कोई, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं छोटा मोटा काम बिगड़ जाता है तो उसको आप वापस सही कर सकते हैं। लेकिन ये हमने कर लिया, लेकिन इससे पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुआ, अब हम करते जाएंगे इसके ऊपर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी एक निश्चित एज आती है जो इसके सेटिंग के अंदर है, और यहाँ से आप रिवर्ट करके उसको वापस फ्रेश कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, एक तरह इस प्रकार से था और इधर से ये रिवर्ट करने के बाद में इतना फर्क जो है इसमें आया है। और ये टूल जो है ये आप थोड़ा सा बैंडिंग करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बैंड कर लिया इसको, आप अगर कोई पैटर्न वगैरह है उसमें इमेज है उसमें कुछ इफेक्ट देना चाहे तो इसका प्रयोग जो है आप बैकग्राउंड वगैरह में आराम से कर सकते हैं, और बहुत शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। मैं इसको भी रिवर्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए आपने किसी भाग को, मान लीजिए हमने ये मास्किंग किया, ठीक है, ये भाग हमने मास्किंग किया कि हमको इस भाग में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। अब हमारे बीच में जो ये भाग बचा है, हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा बेंड कर देते, हमने इस टूल का प्रयोग लिया और इसे घुमा दिया मान लीजिए, और हमने इसका डिजाइन जो है बदलना चाहा तो हमने बदल दिया। मान ले इसको नीचे वाले को इधर घुमा लेते हैं, और कुछ हद तक हम जो है इसका बेंड है डिजाइन जो है वो कर सकते हैं मान लीजिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, और हम इसको ओके करके देख लेते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, यानी जहां हमने मास्क किया था वहां पर भी कुछ भी फर्क आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो अभी ओके कर लिया है हमने, तो देख लेते हैं वहां पर क्या इमेज में ये पैटर्न जो ये फिल्टर जो है क्या इफेक्ट देता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ही इसका प्रयोग जो है वो आया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से लिक्विफाई फिल्टर के सारे ऑप्शंस जो है वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी सेटिंग जो है वो करके लिक्विफाई का उपयोग कर सकते हैं। आप जैसे अगले वाले ट्यूटोरियल में जाओ, आपने CS3 वगैरह में जाओगे तो उसमें कुछ एडवांस ऑप्शंस है, तो वहां पर हम आपको उसमें एडवांस ऑप्शंस भी आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर रेगुलर हैं तो लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।